फिर आज मौसम फिर हो गया है खराब, बारिश हो रही है बाहर। क्या हो गया तुम लोगों को, दिक्कत क्यों चेचे कर रहे हो सुबह सुबह? सुबह सुबह उठ गए, क्या टाइम हो रहा है अभी सुबह सुबह तुम्हारे? छात्रिक नमस्ते। 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 नमस्ते नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, गाइस कैसे आप सब लोग? तो आज है नवरात्रि की अष्टमी, आठवें नवरात्रि का दिन है आज। और कल की परसों की वीडियो में, अरे ये परसों की वीडियो में एक भाई ने मुझे बोला था कि भैया भाभी क्या चाय बनाती है, आप बनाया करो चाय। तो आज मैं ही बना रहा हूँ चाय, पानी उबल गया है, जरा मैं चाय में सब कुछ आइटम डाल दूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ वीडियो के, क्योंकि चाय बना लूँ जरा एक सेकेंड दो। तो ये चाय में इतने जब तक उबाल आएगा तब तक मैं आपको कुछ बता देता हूँ, बाकी अदरक भी डालना जब एक उबाल आ जाएगा। मौसम तो हो चुका है बाहर का दोबारा वही बारिश वाला, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था थोड़ा इसके बारे में ना, टूरिज्म के बारे में, जब आप ट्रैवल करते हो रशिया में, टूरिज्म के ट्रैवल करते हो रशिया में, उसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। और आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, बिल्कुल एकदम अंदर घुस के नहीं बताऊंगा एक चीज़ कि भाई यही करना है क्या करना है, जो भी होगा मैं फिर आज बिजनेस उससे बताऊंगा रिलेटेड, ठीक है? कि आपको भी थोड़ा समझ में आएगा कि अगर आपको यहाँ बिजनेस करना है क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अभी खुली हुई हैं और आपके लिए फ़ायदा है या नहीं है, ठीक है? जेन्युइन लोग हों जो सच में बिजनेस करना चाह रहे हो, क्योंकि बिजनेस करना है तो अगर इंडिया में भी करना है तो आपको बहुत पैसा चाहिए होता है, दूसरे देश में करना है तो बिल्कुल दिल दिमाग सब कुछ खोल के, है ना, सारी इमोशंस से निकल के, फैमिली से निकल के सब कुछ आपको सोच के चलना है। चलो अभी चाय वाय पी के मस्त एकदम फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ बिजनेस से रिलेटेड। हाँ जी, तो अब आ गए हम अपने मेन पार्ट पे। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बिजनेस से रिलेटेड है बट मैं ये बताऊंगा क्या आप बिजनेस कर सकते हो रशिया में, फॉरनर्स मतलब कि जो फॉरनर्स हैं क्या रशिया में बिजनेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई भी फॉरनर कैसे भी टाइप का बिजनेस कर सकता है, बट उसके लिए सबसे पहले मैं यही बता दूं कि आप लोग बिजनेस तो करना चाहते हो लेकिन आप अपना बिजनेस माइंड बना के आओ यहाँ पे, कि आपको यहाँ पर अगर बिजनेस करना है तो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आपको पता करने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ सब कुछ चीज़ें लीगल होती हैं, जो भी चीज़ है डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी के साथ जुड़े हुए, मतलब कि गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको अपना पूरा दिमाग तैयार रखना है कि आपको यहाँ पे बिजनेस करना है, आपको बिजनेस खुद यहाँ के करना है या फिर आप चाहते हो कि आप बस इन्वेस्ट करो, कि आप इंडिया से रशिया के साथ कुछ बिजनेस करो, राइट? लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले तो रशियन रूल्स रेगुलेशन पता करने हैं कि भाई क्या है। दूसरा, आप बिजनेस एकदम से बिजनेस दो दिन का काम नहीं है, उससे पहले आपको पूरा डेली चेक करना है यहाँ के लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं है। मैं ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप इंडिया से ही सोचो कि भाई हाँ हो गया, इंडिया पाकिस्तान नेपाल जो भी बांग्लादेश जो लोग देख रहे हैं जो लोग लिखते हैं मैसेज कि वहाँ से सोच लिया अरे ये तो इजी है बिजनेस कर लेंगे वहाँ पे कंपनी खुल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी होता है सब, अगर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले कि आपको बिजनेस जो करना है यहाँ पे लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी नहीं आएगी, समझ रहे हो, कि आप कुछ भी जो इंडिया में बेच रहे हो वो यहाँ बिकेगा नहीं बिकेगा। अगर मान लो आपका लेडीज सूट का काम है, लेडीज गारमेंट्स का जो इंडिया वाले स्टाइल है, तब आप सोचो ले मेरे तो इतने साल से मेरा एक्सपीरियंस है, 20 साल से कर रहा हूँ, 25 साल से, मैं तो इंडिया रशिया में जाके आराम से बेचूंगा। नहीं ना, नहीं बेच सकते ना, क्योंकि यहाँ तो वो लोग ये लोग कपड़े पहनते नहीं है वाले। तो आपको पहले मेरी राय ये होगी कि आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हो और कोई छोटा मोटा नहीं, क्योंकि दूसरे देश में बिजनेस कर रहे हो तो आपको पूरा अच्छा अमाउंट भी लगाना पड़ेगा, तो आप पहले रशिया आओ, एक बिजनेस ट्रिप पे आओ या टूरिस्ट ट्रिप पे आओ, कैसे भी आओ, जिससे आप घूमो यहाँ के लोगों की जो नेचर है कैसा है, उन लोगों को क्या पसंद आता है, वो कैसा पहन रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं, तो किस चीज़ की आप उसमें फील्ड में जाना चाहते हो। क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप बिजनेस तो कर सकते हो, क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं सब, क्योंकि अगली वीडियो में एक प्राइवेट एक मतलब कि
खाली एक बिजनेस चीज पे कि क्या क्या बिजनेस, कम से कम 20-25 तरह के बिजनेस हैं जो आप यहाँ कर सकते हो, इजीली आप उसे कर सकते हो, जिसमें आपका पीछे आपका वो भी हो कि आपको होल्ड हो, आप जानते हो उस बारे में। दूसरी सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको बिजनेस के लिए अच्छी रिसर्च करनी है, बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है कि वो सामान कैसे आएगा, वो सामान यहाँ कैसे बेचा जाएगा, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, समझ रहे हो, किस किस एरिया में ज़्यादा चलेगा। तो ये रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है। रशिया में सबसे ज़्यादा जो अच्छी मार्केट मॉस्को ही है, क्योंकि मेन यहाँ पर ये कैपिटल है, यहीं पर है, अच्छी मार्केट है इस चीज़ की। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है कि इन सब चीज़ों पे, कि आप अगर कुछ भी बेच रहे हो, जैसे स्पोर्ट्स का सामान भी बेच रहे हो, क्योंकि स्पोर्ट्स के मैं भी अभी जब अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें है बिजनेस आइडियाज़ में, तो उसमें स्पोर्ट्स भी है। तो स्पोर्ट्स का अगर सामान बेच रहे हो तो वो किस टाइप का स्पोर्ट्स चलेगा। अब आप सोचो यार क्रिकेट का करते हैं, क्रिकेट ही इंडिया में फेमस, बट यहाँ क्रिकेट नहीं चलता है, तो किस टाइप का कैसे जैसे स्पोर्ट्स वाला चलेगा, तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पर लोकल में अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। जब तक आप लोकल से कॉन्टैक्ट्स अच्छे से नहीं बना पाओगे, तब तक आप यहाँ की मार्केट नहीं समझ पाओगे, यहाँ के लोगों को नहीं समझ पाओगे, समझ रहे हो। तो इसलिए बेटर है कि आप यहाँ पर आओ, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ, या फिर बेटर यही है कि आप जैसे मैंने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे आपको बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे, क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे लोकल हैं ऑलरेडी, और 14 साल हो गए मुझे, तो कैसे वो कर सकते हैं, मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था। नहीं तो गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस को वो करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए। और कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं ऑलरेडी इंडिया से, जो ऑलरेडी यहाँ बिजनेस शुरू कर चुके हैं, जो पुराने इंडियंस हैं यहाँ पे ऑलरेडी, जो बिजनेस कर चुके हैं, उनको तो छोड़ दो, वो तो ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी भी नए कई, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इतनी खुल चुकी हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, 2022 से शुरू हुआ था, एक साल हो गया ऑलरेडी यहाँ, उसके बाद इतने अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं यूरोप, क्योंकि मार्केट बंद कर चुका है यूएस भी, तो उसके बाद इंडियन, चाइना और ये सब मार्केट्स बेटर है रशिया के लिए। तो आप कहाँ को वेट कर रहे हो। तो जी लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आपका बिजनेस आइडिया बेटर होना चाहिए, कि आपका बिजनेस आइडिया कैसा है जो आपको आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपने रिसर्च कर ली, आपने लोकल से कॉन्टैक्ट्स बना लिया, सब कुछ आपका हो गया, लेकिन आपका बिजनेस आइडिया कैसा है। जरूरी नहीं है कि आप जो 10-15-20 साल से वो बिजनेस कर रहे हो, शायद यहाँ पर भी सेम करो, क्या पता यहाँ पर चेंज करो, लेकिन आपका बिजनेस आइडिया उसको मतलब कि पकड़ना चाहिए कि हाँ भाई ये चलेगा आपका आइटम, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी अलग अलग उससे जाता है फील्ड से। मेरे को नहीं पता था यूट्यूब, मेरे को नहीं पता था रेस्टोरेंट और ये सब, सब अलग अलग ही वो है, लेकिन आपका आइडिया क्या है कि यहाँ मार्केट को आप पकड़ पाओगे, तो ये आपको आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में छोड़ेगा नहीं पीछे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे वीडियो को। तो पहले इस चीज को सोचो, अब ये मत सोचो कि भाई बिजनेस कौन कौन से होते हैं मैं एकदम से वो करूंगा, पहले इन चीजों पर फोकस करो। आपका पहले फोकस होना चाहिए कि आप पहले रिसर्च कर लो, कंप्यूटर से भी रिसर्च कर सकते हो कि क्या क्या तरीके हैं सब करके, फिर मैं आपको बताऊंगा अभी अगले वीडियो में क्या क्या बिजनेस कर सकते हो आप, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको अच्छा लगेगा तो सही है, बाकी पता चल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भैया, है ना, और शेयर करो लोगों के साथ। अभी और आगे वीडियोज बनाऊंगा, एक वीडियो छोड़कर, क्योंकि एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में सृजन के घर था, तो उस वीडियो को छोड़ के फिर मैं बिजनेस वाली की क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं उस पर बनाऊंगा। फिर आगे एक वीडियो और एक बता दूंगा कि आप कैसे लोकल से कांटेक्ट करें, या लोकल के साथ, या कैसे आप बिजनेस कंपनी वगैरह कैसे खुलती है, कितना टाइम लगता है, कितने उसमें माथापच्ची होती है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दस विदा।